भारत ने 370 कश्मीर से क्या हटाया, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई। और ये दिख भी रहा है क्योंकि अब इसका विरोध पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। और इमरान खान सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं खुद ही पता नहीं रहता। बेचारा इमरान खान इतना दबाव में है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा है। इसीलिए पिछले दो दिनों से दो चैनलों को दिए इंटरव्यू में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने दो तरह की बात की और दोनों से इमरान खान घिर गए। ये तो रही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात। अब आते हैं जनता के बारे में। पाक जनता महंगाई और बेरोजगारी और आतंकवाद से परेशान है, तो वहीं सिंध, बलूचिस्तान और पश्तो सेना के जुल्म से परेशान है, जिनकी खबरें मीडिया में कम ही छपती हैं। वहीं आज टेक्निक का जमाना है, कितने दिनों तक जुल्म को छिपा कर रखेंगे। और इसी कारण पाक सेना के जुल्म से परेशान होकर पीओके के लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि कैसे सेना जुल्म ढाती है। इसी बीच आपको तो नागिन पॉप सिंगर रबी पीरजादा तो याद ही होंगी, जिन्होंने पाक के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी को धमकाते हुए कहा था कि मैं सांपों के साथ तैयार हूं और ये सारे सांप मोदी के लिए हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, अगर मोहतरमा आपको याद आ गई हैं तो बता दें कि सांप वाली नागिन मैडम यानी कि पॉप सिंगर रबी पीरजादा आजकल मुश्किल में है और पॉप सिंगर के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यहां तक कि उनके जेल जाने की नौबत आ गई है। लाहौर में अपने ब्यूटी सैलून में विदेशी जानवरों को पालतू जानवरों के रूप में रखने पर इन मैडम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के वन्यजीव संरक्षण और उद्यान विभाग ने रबी पीरजादा के ब्यूटी सैलून पर विदेशी जानवरों को रखने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए लाहौर की एक स्थानीय अदालत में रबी पीरजादा के खिलाफ चालान भी पेश किया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पर एक बात बता दें कि पीरजादा ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी थी और कहा था कि मैं एक कश्मीरी महिला हूँ, भारत के लिए अपने सांपों के साथ तैयार हूँ, ये उपहार वास्तव में मोदी के लिए है, तुम कश्मीरियों को तंग कर रहे हो ना, तो अब नरक में मरने को तैयार हो जाओ, मेरे सभी दोस्त शांति चाहते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कहना होगा कि जो भी मोदी से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है और यही दशा पाकिस्तान में नागिन मैडम की हो रही है। वैसे तो मोदी की वजह से पूरा पाकिस्तान नरक की जिंदगी जी रहा है और आगे भी और ज्यादा बुरा हाल होने वाला है।